शहर के विशार तालाब स्थित एक निजी होटल में आखिर भारतीय कायाकस्त महासभा गया जिला इकाई के बैनर तले शनिवार की शाम निगम के पूर्व डिप्टी मेयर तथा वर्तमान वार्ड नंबर 26 के निर्वाचित वार्ड पार्षद डॉक्टर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव जी का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्हें सम्मानित करते हुए इनके स्वागत में युवा नेता गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने समारोह की संचालनकर्ता करते हुए कहा कि डिप्टी मेयर रहकर मोहन जी ने समाज के लिए जो बहुत बड़ा काम किया है, साथ ही इन्होंने गया नगर निगम के विकास पुरुष के रूप में खुद को स्थापित किया है। मोहन श्रीवास्तव ने गया के मेयर और डिप्टी मेयर को भी अपने बूते जीत दिलाकर जीत जाति धर्म ऊंच नीच के सारे भेदभाव को मिटाकर कायाकस्त समुदाय की ईमानदार कोशिश को सम्मान दिलाया है। आगे कुमार गौरव ने कहा, यह भी कहा कि यह मोहन श्रीवास्तव जी की जीत नहीं समाज की जीत है, इनकी जीत से गया गौरवान्वित है। इस उपचुनाव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। वार्ड संख्या 26 से मुस्लिम समुदाय से आने वाले इबरार अहमद उर्फ भोला मियां ने जीत हासिल करने के बाद भी अपने हिंदू दोस्त मोहन श्रीवास्तव के लिए सीट छोड़कर उन्हें जीत दिलाकर अपनी मिलन की मिसाल पेश की है। वहीं उनके मित्र इबरार अहमद को भी उनके त्याग के लिए बधाई दी। आगे श्री सिन्हा ने कहा, इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दोस्ती की मिसाल इबरार अहमद उर्फ भोला मियां ने पेश करते हुए अपने क्षेत्र से चुनाव निर्विरोध जिताने के बाद डॉक्टर ओमकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने दोस्ती की बात की, चुनाव जीत करके हम कई सालों से निर्विरोध जीते हैं। गया शहर के लिए, नगर निगम के लिए, आम लोगों के लिए इन्होंने अपने पद का कुर्बानी दिया। लोग उसको पोलिटिकलाइज करके जो भी बोल लें, जिनको इच्छा हो सबको भगवान मालिक ने मुंह दिया है, जो बोलना है बोल ले, लेकिन कोई बिना हेरे फिट के लिए एक जनता के सोच के लिए, गया शहर की सोच के लिए इन्होंने निस्वार्थ भावना से इस्तीफा दिया और उस इस्तीफा में पूरी तरह से लग करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी बात, चाहे ना हिंदू ना मुसलमान, जिताया उन लोगों ने मिल करके एक इंसान। वार्ड 26 के सभी लोगों को, वोटर सपोर्टर को भी बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबू भाई ने गया शहर नगर निगम को और सुचारू और व्यवस्थित अगले 5 साल के लिए करने कराने में जो योगदान दिया, दिल से मैं बहुत इतनी भी शुक्रिया करूँ वह कम होगा। अब आइए, यह चुनाव नहीं चुनौती के रूप में हुआ और इतिहास के रूप में हुआ। जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहाँ पर लोगों ने हम पर विश्वास करके वोटिंग किया और इतने भारी बहुमत से जिताया, दिल से मैं एक बार बहुत बहुत उनको फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काय समाज लोगों का आज यहाँ पर मीटिंग थी अखिल भारतीय काय महासभा के बैनर तले, उसमें अभिनंदन समारोह हमारा किया गया। बाबू भाई ने जो यह त्याग और कुर्बानी की है, इनको यहाँ पर स्वागत किया गया और बहुत हार्दिक दिल से भूरी भूरी प्रशंसा की गई। ऐतिहासिक ये काम हुआ है जो एक इतिहास के पन्नों पर सब दिन लिखा हुआ रहेगा कि गया शहर में वार्ड 26 के अंतर्गत ऐसा काम हुआ था, इसको जिंदगी में कोई भी नहीं मिटा सकता, ये अमिट काम है। अब जनता का बारी आया। मैं जिन चुनाव जीता था उसी दिन बोल दिया था कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और अब हम जीत के आए हैं जनता का सही रखवाला। ये साल भर के अंदर गया शहर में चौमुखी विकास दिखेगा, चाहे वो सफाई का हो, जलापूर्ति का हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण का हो, चाहे नया नया काम डेवलपमेंट का हो। आपको अगर 2-3 साल में शहर का कई प्रमुख कार्य नहीं दिखेंगे तो मुझे राजनीति करने का कोई मकसद नहीं होगा, समाज सेवा का बात करने का कोई मकसद होगा। मार्च 26 को आदर्श बनाना है, इसके लिए भी हम लोग कृत संकल्प है और 27 तारीख के शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 10-15 दिन का समय और तकनीकी आधार पर लगेगा। जुलाई अगस्त महीना से आप देखिएगा कि नगर निगम का स्थिति अभी जो है इसमें बहुत बेहतरी, बहुत अच्छा और बहुत कायस्थ महासभा की तरफ से कायस्थों के जो हमारे गया जिला के नेता हैं आदरणीय मोहन श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन समारोह किया गया है। चूँकि वार्ड 26 से इनकी जीत हुई है
और इसके लिए पूरे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो है सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई देता है, शुभकामना देता है। और इनके साथ ही साथ हम लोग के जो बड़े भाई हैं भोला भाई, उनको भी बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम समाज के तमाम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि अपनी सीट को छोड़ करके एक हिंदू समाज के नेता के लिए अपना सीट कुर्बान किए हैं। जबकि आज के तारीख में, आज के समय में हर लोग सीट के भूखे होते हैं। सीट के लिए भाई भाई में लड़ाई होती है, सीट के लिए पति पत्नी में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है। लेकिन ये महज एक मित्र के लिए अपना सीट को कुर्बान करके अपने मित्र को वार्ड नंबर 26 में बैठाने का काम किए हैं। क्योंकि इनकी सोच केवल मित्रता तक ही नहीं है, इनकी सोच एक समाज के लिए है। ये सोचते हैं कि वार्ड 26 के साथ साथ पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास हो, इसलिए इन्होंने ये काम करने का काम किया है। ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। पूरे समाज की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मैं कुमार गौरव, गौरव सिन्हा, युवा जदयू नेता, युवा नेता, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, गया।